स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट 12 चैप्टर फिफ्थ लेक्चर। इसमें बेटा पढ़िए, समझिए और लिखिए। दादी, नानी, मामी, मामा, माता, बहन, ये कौन है? स्त्रीलिंग शब्द है। और दादा, मामा, नाना, पिता, भाई, ये कौन से शब्द हैं बेटा? पुल्लिंग है। तो इन शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर आपको अपनी बुक में फिल करना है। जैसे दादी, नानी, मामी, ये सब, माता, बहन, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको इसमें फिल करना है। और पुल्लिंग में दादा, मामा, भाई, नाना, पिता, ये आपको पुल्लिंग में बेटा फिल करना है। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। जैसे बाहर का, जैसे शहर का गांव, अंदर का बाहर, बड़ा का छोटा, नीचा का ऊंचा, कल का आज, ऊपर का नीचे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, का के की से रिक्त स्थान भरना है। जो सेंटेंस यहाँ पे सही लग रहा है वैसे हमें इसमें फिल करना है। राधा की पेंसिल, ठीक है, पनीर का टुकड़ा, आग की लपटे, राजू का घर, विनय के माता पिता। पाठ में संयुक्त अक्षर से बने शब्द छांटकर बेटा आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। इस्प, अस्पताल, इकट्ठे, पुरस्कृत, ठीक है, छत्तीसगढ़, पट्टी, वृद्ध, ये आपको अपने चैप्टर में से छांटकर इसमें फिल करने हैं। अब बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। कुत्ते ने स्वामी को जगाने के लिए क्या किया, ये गद्यांश को पढ़कर आपको इसके उत्तर देने हैं। और कुत्ता स्वामी को क्या बताना चाहता था, अंत में कुत्ते का क्या उपाय सूझा, गद्यांश को ढूंढकर समान तुक अर्थ वाले शब्द लिखना। जैसे रात्रि का रात, ग्रह का घर, अब गद्यांश में आए मुहावरे ढूंढकर आप इसमें से लिखिए। अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। अगला लेक्चर बेटा कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।